क्या आपने कभी रात को अंधेरी रेलवे स्टेशन का सफर किया है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या वो सच था या बस एक भयानक सपना। ये है अंधेरी की आखिरी ट्रेन। हेलो गाइस, ये स्टोरी होने वाली है राज की। राज जो एक ऐसा इंसान था जिसको भूत प्रेत आत्मा जैसी चीजों में भरोसा नहीं था, लेकिन ये इंसिडेंट होने के बाद राज ने ये कबूल किया कि हाँ, वाकई में इस दुनिया में इंसान के परे भी कई सारी चीजें रहती है। जो लोग भी इस चैनल पे नए हो, ऐसे हॉरर एंड मिस्ट्री टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को एक लाइक कर सकते हो। कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है राज की, एक नौजवान जो रात के 12 बजे अंधेरे स्टेशन से अपनी आखिरी ट्रेन पकड़ रहा होता है। उस रात कुछ अजीब सा माहौल होता है, हवा में एक ठंडक थी जो सीधा रूह तक उतर रही थी। राज की उम्र लगभग 20 वर्ष की होती है और राज के घर में इकलौता वही एक लड़का था जो कमाता था, जो जॉब करता था। और रात के वक्त अंधेरी स्टेशन पे राज अपनी घड़ी की तरफ देखकर दौड़ रहा होता है, क्योंकि वो अंधेरी स्टेशन की लास्ट ट्रेन को मिस नहीं करना चाहता था। और अपने में राज बात कर रहा होता है कि आज बहुत ज्यादा लेट हो गई है, पता नहीं आज कोई ट्रेन मिलेगी या फिर नहीं। राज अपने चारों तरफ देखता है तो वो महसूस कर पाता है कि स्टेशन पूरी तरीके से खाली है, सिर्फ उसको शहर की आवाजें सुनाई देती रहती थी और कभी कभार दूर से आती हुई रेलगाड़ी की आवाज भी सुनाई देती। राज एक बेंच पे जाके बैठ गया होता है और जब वो घड़ी में देखता है तो उस वक्त टाइम 12:15 हो रहे होते हैं। और तभी अचानक से इतनी ज्यादा ठंडी हवा चलती है कि राज पूरी तरीके से हिल जाता है और राज को कुछ अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। और राज अपने मन में ही सोच रहा होता है कि आज कुछ अजीब फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई और भी देख रहा है। और तभी राज की नज़र एक वहीं पे बैठे हुए बूढ़े इंसान पे पड़ती है जो राज को घूरे जा रहा होता है। राज उसका चेहरा अच्छे तरीके से नहीं देख पाता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसका चेहरा पूरा काला पड़ा हो, जिससे उसको पहचाना नहीं जा सकता था कि आखिर वो कौन था, रियल में एक इंसान था या फिर कुछ और। और वो बूढ़ा आदमी वहीं बैठे बैठे राज से बोलता है, बेटा ये आखिरी ट्रेन है, कहीं गलती से भी छोड़ मत देना। राज ने अपना सिर अजीब तरीके से हिलाया और उसे रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। राज उस बूढ़े आदमी को थैंक यू बोलता है और वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर अंधेरी की तरफ देख रहा होता है, जिससे राज को कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है और राज की बेचैनी अब और ज्यादा बढ़ गई होती है। और तभी राज को दूर से एक ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। राज जल्दी से खड़ा हो जाता है। जब वो देखता है आसपास तो पूरा स्टेशन खाली रहता है, वो बूढ़ा आदमी न जाने कहां पे गायब हो जाता है। और जैसे ही राज सामने देखता है तो प्लेटफॉर्म पूरा खाली रहता है, उसपे कोई भी रेल कोई भी ट्रेन नहीं आई होती है। राज अपने में बात करते हुए कहता है कि अभी तो मैंने ट्रेन की आवाज सुनी थी और उसको ये चीज बहुत ज्यादा अजीब लगती है। इनफैक्ट उसको अब थोड़ा थोड़ा डर भी लगना शुरू हो जाता है कि आज उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। और फिर राज अपनी घड़ी में देखता है तो उस टाइम रात के 12:30 बज रहे होते हैं। और फिर अचानक से उसके पीछे वही बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो राज को देखते हुए हंसता रहता है। और अब उसकी हंसी बहुत ज्यादा खतरनाक लगने लगती है, ऐसा लगता है जैसे राज के सामने कोई शैतान खड़ा होकर हंस रहा हो। राज डरता हुआ उस बूढ़े आदमी की तरफ देखता है और वो बूढ़ा आदमी बोलता है, आज रात ये स्टेशन छोड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। और अचानक से प्लेटफॉर्म पे जितनी भी लाइट रहती है वो सब ब्लिंक करते हुए बंद हो जाती है, जिससे अब पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब जाता है और राज की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। राज पूरी तरीके से डर चुका होता है और कुछ ही देर में उस स्टेशन की सारी लाइट्स फिर से ऑन होती है। राज जो पूरी तरीके से अभी भी कांप रहा होता है, वो देखता है कि दूर कहीं से एक ट्रेन आ रही होती है। राज एक ज़ॉम्बी की तरह चल रहा होता है क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत तेज ज्यादा पेन होने लगता है। जैसे ही ट्रेन उसके पास आगे रुकती है, राज फौरन से उसके अंदर चला जाता है और ट्रेन का दरवाजा बहुत ही जोर की आवाज के साथ बंद हो जाता है। और अब राज अपने से ही बात करना स्टार्ट कर देता है। वो सोचता है कि आज के दिन ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और वो जब ट्रेन के अंदर जाता है तो वो देखता है कि ट्रेन पूरी खाली है और ट्रेन की खिड़कियां बहुत ही पुराने जमाने की लग रही होती है। ट्रेन की जो सीटें थी वो भी फटी और पुरानी लग रही होती है, खिड़कियां गंदगी से भरी होती हैं। राज वहां पे जाके चुपचाप से एक कोने में बैठ जाता है और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है। ट्रेन अब धीरे धीरे चलने लगती है और राज जब खिड़की के बाहर देखता है तो एक धुंधली सी परछाई उसको दिखाई देती है
और राज अपने आप को कंट्रोल करता हुआ, अपने आप को समझाता हुआ अपना ध्यान किसी और जगह पे लगाने लगता है और तभी वो परछाई धीरे धीरे गायब होने लगती है। राज अपने फोन को देखकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उस फोन में उस वक्त कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा होता है और ट्रेन भी अब धीरे धीरे तेज होती रहती है और अंदर की लाइटें अब ब्लिंक होने लगती है। अचानक राज को फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। राज जब अपना चेहरा उठाता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक लेडीज बैठी है जिसका बाल उसके चेहरे को ढके हुए है। उसके लंबे लंबे नाखून और उसके लंबे लंबे बाल होते हैं और वो औरत एक नॉर्मल सी आवाज में बोलती है कि ये सफर तुम्हारे लिए नहीं है। अब राज पूरी तरीके से चौंक जाता है और उसको लगने लगता है कि हो ना हो मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। वो अपने चारों तरफ देखता है और वो देखता है कि उस ट्रेन में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। और राज को ये भी याद होता है कि जब ट्रेन का दरवाजा बंद हुआ था तो कोई भी औरत कोई भी लड़की इस ट्रेन में नहीं चढ़ी होती है। इसका मतलब जब उस ट्रेन में राज चढ़ा होता है तो वो ट्रेन पूरी खाली होती है। इसका मतलब ये होता है कि राज अब वो सारी चीजें महसूस कर पा रहा होता है जो अभी कुछ देर पहले के लिए उसके लिए सिर्फ एक कहावत थी। मतलब वो अब भूत प्रेत शैतान आत्मा जैसी चीजों में बिलीव करने लगता है। राज अपनी कपकपाती हुई आवाज से उस औरत से पूछता है कि आप कौन हो, और वो औरत अपना सर धीरे धीरे उठाती है और एक भयानक हंसी के साथ राज का कुछ भी जवाब नहीं देती है। और अचानक से उस ट्रेन की जितनी भी लाइटें होती हैं वो ब्लिंक करके बंद हो जाती हैं और सिर्फ अब उस औरत की आंख में रोशनी दिखाई दे रही होती है। राज अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और अगले डिब्बे में जाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है और राज वहीं पे फंस जाता है। जो औरत की आवाज होती है वो डिब्बे में गूंजती रहती है और धीरे धीरे वो आवाज और ज्यादा तेज होती रहती है और वो औरत बोलती है, राज तुमको यहाँ से भागना होगा वरना तुम इस ट्रेन का हमेशा के लिए एक हिस्सा बन के रह जाओगे, जिस तरीके से मैं आज भी इस ट्रेन में फंसी हुई हूँ। राज गुस्से में चिल्लाता हुआ मदद के लिए पुकारता है और उस ट्रेन के डिब्बे को जोर जोर से पीटने लगता है और फिर से अब ट्रेन की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है और अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। ट्रेन की स्पीड अब नॉर्मल हो जाती है और ट्रेन आगे एक स्टेशन पे उतरती है और राज लड़खड़ाते हुए बाहर आता है और वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन जब राज अपनी नजर उठा के देखता है तो उसको पता चलता है वो अभी भी उसी स्टेशन पे है जिस स्टेशन से इसने ट्रेन पकड़ी होती है। मेरा मतलब है राज अभी भी उसी अंधेरी स्टेशन पे फंसा होता है। राज अपने चारों तरफ देखता है तो उसको लगता है कि ये सब तो उसके साथ दोबारा से हो रहा है। ये उसी जगह पे दोबारा से आ जाता है जहाँ से उसने ट्रेन पकड़ी होती है। जब वो अपने चारों ओर देखता है तो स्टेशन बिल्कुल खाली होता है और वैसा का वैसा ही होता है जैसा उसने पहली बार देखा होता है। और राज जब अपने घड़ी में देखता है तो उस वक्त टाइम हो रहे होते हैं 12:15। और जैसे ही वो सामने वाली सीट पे देखता है तो वही बूढ़ा इंसान उसी सीट पे बैठे हुए राज को घूरता हुआ हंस रहा होता है और वो बूढ़ा इंसान एक डेविल आवाज में बोलता है, बेटा मैंने तुमसे कहा था ना ये आखिरी ट्रेन है। और राज की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। राज डर से कांप रहा होता है और वो जल्दी से दौड़कर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितनी तेज कहाँ पे भाग रहा है। ऐसा लगता है कि राज अब उसी लूप में फंस गया होता है। उसके साथ वो सारी चीजें रिपीट होती रहती है जो इससे पहले राज ने एक्सपीरियंस की होती है। राज को कभी ये चीज समझ में नहीं आई कि आखिर में उस रात राज के साथ हुआ क्या था। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो भी अंधेरे स्टेशन से रात के 12 बजे उस आखिरी ट्रेन में सफर करता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस अंधेरे स्टेशन पे बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी हॉरर चीजें हो चुकी है और ये भी कहते हैं कि कुछ टाइम पहले वहाँ पे एक लड़की की मौत हो गई थी, वो भी ट्रेन के पीछे भागते भागते। अब ये सब बातें कितनी सच है कितनी झूठ ये तो किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन आप क्या सोचते हो अंधेरी स्टेशन के बारे में वो चीज कमेंट करके जरूर बताना। मुंबई अपने में एक ऐसी रहस्यमय दुनिया है जो लोगों को अपने बीते हुए कल की वजह से हमेशा डराती रहती है। अगर आपको ऐसी हॉरर एंड मिस्ट्री टाइप की वीडियोस देखना पसंद होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।